बता सकता है। धन्यवाद महाश्री। अगला प्रश्न कर्नाटक मैसूर से बहन वैशाली सिंह का है। ये कहती हैं कि बहुत लोग बचपन से ही अपने दिमाग में एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, वह डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो ऐसा कर भी लेते हैं, पर मेरा कोई लक्ष्य नहीं है और आज मैं जो भी हूँ उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? इन्होंने अपनी उम्र नहीं बताई। इनकी उम्र है 23 वर्ष। वैशाली नाम है जी, वैशाली सिंह। ये इंफोसिस कंपनी में ट्रेनी है मैसूर में। मैसूर से। तो मैं इनको ये कहूंगा कि अभी तो आप 23 वर्ष के हैं, आप अपनी रुचि देखकर और अपने सपने ध्यान में रखकर और अपनी क्षमताओं को उभार कर फिर अपने लिए अपना कार्य क्षेत्र चुने और निश्चित ही उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। अभी तो आप 23 वर्ष के हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको जिंदगी भर अपना लक्ष्य नहीं मिल पाता क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाते। कुछ लोगों के साथ समस्या ये होती है कि माँ बाप जबरदस्ती उनको कोई लक्ष्य पकड़ा देते हैं जो वो बनना नहीं चाहते। कुछ बच्चे जो इंजीनियर बनाए जाने के लिए माँ बाप उनको प्रेरित करते हैं लेकिन वो पढ़ ही नहीं सकते, और उसका परिणाम ये होता है कि जबरदस्ती कराए जाने से वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते और कुंद मस्तिष्क रह जाता है। दूसरे फील्ड में जाकर अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। कई ऐसे लोग रहे हैं, ऐतिहासिक लोग जो विश्व प्रसिद्ध हुए, उनके माँ बाप उन्हें कुछ और बनाना चाहते थे लेकिन उधर वो नहीं गए, दूसरी दिशा में गए, ताकत अपनी लगाई और इतने प्रसिद्ध हुए कि पूरे विश्व को उन्होंने कोई देन दी। तो ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको धीरज के साथ चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद महाश्री। अगला प्रश्न इंदौर से ये स्टूडेंट हैं बहन निधि पिंकालवर। इनका प्रश्न है, गुरुजी नई पीढ़ी के साथ कैसे अपने आप को कायम करें, कैसे आध्यात्मिक बने? आजकल जो भी ज्यादा आध्यात्मिक होता है उसका मजाक उड़ाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मजाक तो आप कुछ भी करेंगे मजाक तो उड़ाया जाएगा। हर बड़े से बड़े आदमी को ये मजाक सहनी पड़ी है। आप आध्यात्मिक हैं तो इसका मतलब आप बैकवर्ड नहीं हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब है आप ज्यादा एडवांस हैं, ज्यादा अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि भौतिक उन्नति के साथ में आप मानसिक शांति, बौद्धिक विकास, अपने आत्मा को, हृदय को, बुद्धि को, मन को और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि बड़े लोग शांत मस्तिष्क से ही बड़ी चीज कर सकते हैं। इसलिए किसी मजाक उड़ाए जाने से कभी नहीं घबराना चाहिए। हाँ, अगर आप आध्यात्मिक पक्ष चुनते हैं तो आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि धर्म भीरु बन जाए। बहुत लोग इतने डरपोक बन जाते हैं, उन्हें हर समय यही लगता रहता है हमने पूजा की, इधर से जो है पूजा करने में जल्दबाजी की है, भगवान जी नाराज हो गए होंगे, अभी ये देवता नाराज हो गए, अभी वो देवता नाराज हो गए, तो आज ये ग्रह दशा ठीक नहीं है, आज ये वाला दिन है, शनिवार वाले दिन ये होता है, मंगलवार वाले दिन ये होता है, वो इस तरह के कर्म कांडों में उलझाकर व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। ये धार्मिक कर्म कांड व्यक्ति को ऊंचाई देने के लिए थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपको आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि धर्म ने जो महान शिक्षाएं आपकी जिंदगी में दी उनके द्वारा आप जीवन को ऊंचा उठाएं, कर्म कांड में उलझकर न रह जाएं। तो आपको एक सही दिशा अगर मिलती है निश्चित रूप से आप उस जगह पहुंच जाएंगे कि आप वहां जाकर खड़े हुए होंगे जहां वे लोग आश्चर्य करेंगे कि जिसके हम मजाक उड़ाते थे आज वो कहां का कहां पहुंच गया और हम कहां पीछे रह गए। इसलिए आप अपनी जगह सही हैं, अपना कार्य कीजिए और ठीक चुनाव करते हुए
आपको अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, नया से नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अगला प्रश्न मुंबई से मिठुलाल गुप्ता जी का है। ये लिखते हैं, गुरुजी कृपया बताएं कि ज्योतिर्लिंग कितने हैं और उनके नाम। द्वादश ज्योतिर्लिंग पूरे देश के अंदर हैं और सभी ज्योतिर्लिंग जो है पूरे देश की एकता को दर्शाते हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों के अनुसार प्रत्येक के लिए एक कोई न कोई आपकी राशि के अनुरूप एक ज्योतिर्लिंग है। उस नाम के अनुसार आप जाप करते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान के ये ज्योतिर्लिंग एकता को बांधने वाले हैं। ये प्रतीक ज्योति का है, ज्ञान का है, प्रकाश का है, भगवान का जो नूर बह रहा है उसको दर्शाता हुआ ज्योतिर्लिंग है। उनमें आप चाहे केदारनाथ में जाएं, बहुत श्रद्धा से अभी हम लोग वहां गए थे, चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ बिखरी हुई है और बर्फ के बीच एक छोटा सा स्थान जिसके मध्य भाग में भगवान शिव का ये स्थान केदारनाथ स्थित है, जिसको हिमालय में, सुदूर हिमालय में, वहां से हम शुरुआत करें तो दक्षिण में जाएं, इधर रामेश्वरम है, मल्लिकार्जुन है, तो दक्षिण को और उत्तर को जोड़ा गया। फिर हम साथ में वैद्यनाथ पल्ली में और घृष्णेश्वर औरंगाबाद में आप जाएं, और इधर नासिक में त्र्यंबकेश्वर और उसी के साथ में भीमाशंकर, थोड़ा दूर, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। और इधर गुजरात में आप चले जाएं तो वहां पर आपको सोमनाथ भगवान के रूप में ज्योतिर्लिंग, और उसी के साथ में आप जब नागार्जुन की पूजा करते हैं, नागेश्वर की पूजा करते हैं, तो वो भी एक ज्योतिर्लिंग, बड़ा ही दिव्य ज्योतिर्लिंग है। और काशी कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर ठहरी हुई है। ये हमारे पुराणों में जो उल्लेख हैं वो अलग तरह के हैं, वो प्रतीतात्मक हैं, लेकिन वहाँ विश्वनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। और मध्य प्रदेश में आप महाकालेश्वर के दर्शन और ओंकारेश्वर के दर्शन वहीं करते हैं, दोनों पास पास में हैं। महाकालेश्वर के साथ ही ओंकारेश्वर है, और जहाँ से मैं इस समय चर्चा कर रहा हूँ ये भी ओंकारेश्वर है। तो आप सभी ज्योतिर्लिंगों को यही मानकर चलिए, अनेक नामों में एक ही है जो हम सबके अंदर विराजमान है, और वही ज्योतिर्लिंग हमारे माथे पर तिलक की तरह विराजमान है। तो बस इतना ही परिचय है और ज्यादा विशेष व्याख्या नहीं करूंगा अब मैं, क्योंकि जो आप प्रश्न करेंगे उनके बहुत छोटे छोटे उत्तर दूंगा, नहीं तो फिर ये होगा कि कुछ ही सवालों में पूरा समय संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद महाश्री। अगला प्रश्न अंबाला कैंट से भाई अमित अरोड़ा जी का है। इनका पूछना है कि गुरुजी आपने कहा कि मंत्र जाप के लिए एक ही माला होनी चाहिए, परंतु जिस माला से मेरी माँ रोज जाप करती है वह टूट गई है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। नई माला ले लेनी चाहिए, और जो भी आप चाहें आप जाप करें। माला इतना महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, महत्वपूर्ण जाप है, श्रद्धा पूर्वक करें। और मैं ऐसा समझता हूं कि जब आप सवाल यहाँ पूछते जा रहे हैं, मुझे लगता है जिस क्रम से आए उसी क्रम से ही पूछते जा रहे हैं, चुनाव करने में ध्यान नहीं दिया गया। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिल्ली से भाई अंकित अबरोल जी का है। इनका प्रश्न है कि जब भी मैं कोई काम करने जाता हूं वह पूरा नहीं होता, कोई ना कोई अड़चन ही आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। आपको सकारात्मक दृष्टि मन में रखनी चाहिए, पूरी हिम्मत रखें, और ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें आपके मन के अनुरूप ही चलेंगी। दुनिया में रुकावट आती है, बाधा आती है, दोबारा से फिर से अपने आप को रीसेट करके देखिए कहां गलती है, क्या चीज ऐसी है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी इतना ही होता है कि गाड़ी के प्लग में कार्बन आ जाने से भी गाड़ी आपकी रुक जाती है, तो आप देखते ना कि थोड़ा सा मोतिया बिंद
जो आंखों में आ जाता है, आंखों में थोड़ा सा कुछ मैल आ जाए जिसका ऑपरेशन कराते हैं लोग, तो उसके कारण आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, और अगर देखें तो बहुत हल्की सी ही मैल आई थी। इसी तरह से कुछ चीजें होती हैं जिसको हम अंदाज नहीं लगा पाते कि यह भी कोई बाधा थी, लेकिन वो बाधा होती है। तो जितना अपने आप को आप निखारेंगे, समझेंगे, आप अपनी बाधाओं को दूर कर पाएंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना, सकारात्मक दृष्टि रखिए। विघ्न बाधाएं हर काम में आती हैं, वो आपको और निखारती हैं और मजबूत करती हैं, लेकिन ढीठ बने रहिए, जुड़कर मजबूती के साथ सामना कीजिए, सफलता मिलेगी। धन्यवाद महाश्री। अगला प्रश्न भावनगर गुजरात से बहन सोनिया नाथानी जी का है। प्रणाम गुरु जी, इंसान को दुख में भी खुश रहने के लिए क्या करना होगा? वैसे तो ये सवाल का जवाब पहले दिया जा चुका है। सामान्यतया फिर भी हम लोग ये माने कि दुख में सुखी होने के लिए अपने आप को कोई धोखा नहीं देना होता कि हम बहुत सुखी हैं, दुख है ही नहीं। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो उसके बाद दुख भाग जाएगा, कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भाग जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग जो है इसी तरह से आंखें बंद करने का तरीका ढूंढते हैं, या तो कहीं और मन बहलाना शुरू कर देंगे, कोई टीवी देखना शुरू कर देगा अपना गम गलत करने के लिए, कोई सोचेगा अपने घर से बाहर चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, कुछ लोग नशा करने लग जाएंगे, कोई और कोई चीज पाल लेगा, लेकिन वो दुख का सामना नहीं करना चाहते। आप देखिए, सबसे पहले जैसे भय से आंखें मिलाई जाती हैं, ऐसे अपने दुख से आंखें मिलाओ, आंखें गड़ाकर उसे देखो, वो क्यों है, किस लिए है, और उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और डरे नहीं, दबे नहीं, घबराएं भी नहीं। जो आप घबरा जाते हैं उससे दुख बढ़ जाता है, क्योंकि दो ही बात है, या तो अपनी ताकत बढ़ाइए नहीं तो दुख अपनी ताकत बढ़ा लेगा, या तो आप मजबूत हो जाइए नहीं तो दुख मजबूत हो जाएगा, और दो में से एक ही मजबूत रहेगा, या तो दुख या आप मजबूत होते हैं तो दूसरा कमजोर पड़ता है। तो अपने आप को मजबूत आपने करना है, और दूसरी बात आपने ये करनी है, सकारात्मक पक्ष देखना है, संतुलन बनाना है, शांति लानी है, धीरज रखना है, साहसी बन जाना है, जल्दबाज नहीं होना, लेकिन सोच समझकर ठीक समय पर कदम उठाने की कोशिश करें। हाँ, अपने विषय में एक्सपर्ट की राय जरूर लें, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम दुख भोग रहे होते हैं। जैसे ही कोई जानकार व्यक्ति मिल जाता है तो समस्या का अंत हो जाता है। मैं जानता हूं कि एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, माँ बाप सोचते थे कि अब शादी हो जानी चाहिए, लेकिन उसके हाथ फटे रहते थे और कभी कभी तो हाथों में खून आ जाता था, पांव भी ऐसे रहते थे। डॉक्टर कहते थे कि एक क्रीम देते हैं हाथ में लगा के रखो तो, और दस्ताने पहन कर रखो, नहीं तो थोड़ी सी भी धूल मिट्टी गिरेगी तुरंत हाथ फट जाएंगे। उसने सब कुछ करके देख लिया। जब 5 साल से लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा और शादी की तो बात ही नहीं सोच सकते थे, तो एक दिन वो आए, आकर उन्होंने कहा कि हमारी सब बच्चियों की शादी हो गई, जिम्मेदारियां पूरी हो गई, लेकिन बस एक इसी का दुख है, तो ये कैसे ठीक होगा। मैंने उनको कहा, किसी वैद्य का नाम बताया कि आप उनके पास जाइए, वहां जाने से ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, कितने साल लगेंगे? मैंने कहा साल नहीं, महीने लगेंगे। कितने महीने लगेंगे? मैंने कहा 3 हफ्ते। वो बोले 3 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा होगा। वो गए, उन्होंने इलाज किया, 3 हफ्ते के बाद जब आकर के मिले तो उसके बाद बोले ठीक हो गए, दोबारा तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक रहेंगे आप। अब शादी भी हो गई, वो लड़की आई, आशीर्वाद लिया, धीरे से आकर कहती है वो प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आएगी? मैंने कहा दोबारा के लिए भी हम बैठे हैं, दोबारा के लिए भी वैद्य है? नहीं नहीं, अब नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा अब नहीं आएगी, आप क्यों याद कर रहे हैं उसको? अब आप जरा सोचकर देखिए, दुख तो था लेकिन जैसे सही जानकारी मिली, सही उपयोग हुआ तो भाग गई समस्या और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो मैं ये कहूंगा कि दुख तो है, एक्सपर्ट का भी साथ लें, जानकारी लें, सही उसका सामना करें, तो हर चीज ठीक की जा सकती है। आदमी चांद सितारों तक पहुंच गया,
इतनी हिम्मत इंसान ने कर ली तो आपकी समस्या कोई बड़ी नहीं है, आप घबराएं नहीं, हर चीज से आप पार पा सकते हैं, जीत सकते हैं, उस कोशिश को जारी रखिए। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न देहरादून से बहन नेहा कृष्णात्री का है। गुरुवर पूरे परिवार की तरफ से बारंबार प्रणाम। गुरुवर, भलाई करने के बाद भी अगर बुराई मिलती रहे तो हमें क्या करना चाहिए? ये देखिए कि जिन लोगों ने भलाई की उनको किसी ने कोई तारीफ की हो ऐसा तो हुआ ही नहीं। बुरा सा बुरा व्यवहार करने वाले लोग रहे, लेकिन ये ध्यान रखिए जब बुरा बुराई छोड़ने को तैयार नहीं तो भला भलाई क्यों छोड़ दे। अच्छे लोगों को अच्छाई करते रहना है और डटे रहना है, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, तभी ये दुनिया जीने के काबिल बनेगी। और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि दुनिया में राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी, फिर कहीं भी कोई खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए आप अपनी अच्छाई के साथ जिंदगी को जिएं और बहादुरी के साथ, और ये उम्मीद रखकर कि जो हम कर रहे हैं उसका आनंद हम लेंगे, हमारे कर्म को हमारा भगवान देखता, दुनिया कोई अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जिन्होंने दुनिया को अमृत बांटा लोग उनके लिए जहर के प्याले लेकर आ गए। ये दुनिया बहुत नासमझ है, इसलिए अच्छाई करते जाइए, उसका आनंद लेते जाइए, और आपके कर्म को आपके भगवान देख रहे हैं, बस इसको ध्यान में रखना। धन्यवाद महर्षि। अगला प्रश्न है, इसमें नाम नहीं लिखा, बस इतना लिखा है इस ग्रुप के बहुत से सदस्य, इनका प्रश्न है बच्चों को ध्यान कैसे करना चाहिए और किस भाव से करना चाहिए? बच्चों को ध्यान करने के लिए ये मैं कहूंगा सबसे बढ़िया उम्र बच्चों की है ध्यान करने के लिए, क्योंकि ध्यान वो कोई शेरावाली माता या शिव जी या राम जी या कृष्ण भगवान वो सब नहीं है। ध्यान किसी आकार वस्तु का नहीं है। नींद में अगर सपने हैं तो ये ध्यान रखिए फिर वो नींद लाने के लिए साधक तो है, लेकिन जब नींद आ जाती है तो सपने हट जाते हैं। तो ये आकार के माध्यम से ध्यान की तरफ जाने के लिए पहली शुरुआत आपकी सपनों जैसी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता कि शुरुआत में ही सपना देखना शुरू कर दे, नींद ना नींद में चला जाए, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान तो आप जैसे बच्चे भी करते हैं, बच्चों के लिए तो ज्यादा उपयोगी है, और मैं ये कहूंगा बहुत आसान है, और उन्हें मजबूत बनाने के लिए और शांत रखे जाने के लिए ध्यान उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है, शुरुआत करानी चाहिए। हाँ, कैसे करानी है तो ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं यहां से बता दूं, कोई मेरे से पूछे कि भूख लगी है, मैं कहूं हाँ लगी है, जरा दिखाओ कहां पर लगी है, तो उसको तो नहीं दिखाया जा सकता, हाँ महसूस किया जा सकता है। ऐसे आप जब बैठेंगे सीखेंगे तो निश्चित रूप से उसे कर पाएंगे, और जब उसे करेंगे वो जीवन में घटित होगा तो आप उसका बहुत सारा आनंद ले सकेंगे, आपके बच्चे भी ले सकेंगे। अगला प्रश्न कीजिए जल्दी से, क्योंकि समय का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये भी फेसबुक के कुछ यंग फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से है। कहाँ के हैं? इन्होंने भी नाम नहीं लिखा, लेकिन इस फेसबुक पेज के सदस्य हैं। इनका प्रश्न है जब हम गुरु के समक्ष जाते हैं हमें उनका आशीर्वाद कैसे लेना चाहिए, इसकी क्या मर्यादा है, कृपया हम बच्चों को बताएं। देखिए, गुरु के पास जब आप जाएं सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आपके माथे पर गुरु की मेहर भरी नजर पड़ सके, इसकी चेष्टा पहले करनी चाहिए। दूसरी बात आपको यह करनी है कि आपको शिष्टाचार के नियम निभाने हैं। अगर गुरु सामने से जा रहे हों तो जाते हुए गुरु के पास दौड़ दौड़ कर हाथ लगाना छूना मर्यादा के विपरीत है। जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा होकर सभ्यतापूर्वक, बिल्कुल आगे नहीं बढ़े, वहीं खड़ा होकर झुककर जमीन को छू करके माथे से लगाए, या दोनों हाथ जोड़कर हृदय से लगाकर वहीं से सिर झुकाएं, जिससे
सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। और जो थाईलैंड में मैंने देखा है बौद्ध परंपरा के अनुसार, जैसे वहां मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा, गुरु जहां बैठे हुए हैं उनके सामने रखी हुई चौकी या उनके सामने एक दूरी बनी हुई है, तो वहां पर मत्था टेकने के लिए, माथा झुकाने के लिए, प्रणाम करने के लिए जब लोग आए, महिलाएं पुरुष, तो उनका ढंग देखा घुटनों के बल बैठकर कम से कम 5 फुट की दूरी पर घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़ते हुए और सामने सिर जमीन पर टेक कर दोनों हाथ ऐसे लगाकर और फिर वो प्रणाम करते हैं। एक परंपरा अपनी दंडवत की परंपरा है, दंडवत प्रणाम, पूरा लेट कर पेट के बल प्रणाम किया जाता है। लेकिन आजकल अलग अलग परंपराएं हैं जो प्रणाम करने की हैं, तो कई लोग पैरी पौना करते हैं, तो वो सिर्फ घुटने तक हाथ लगाकर ऐसे करते हैं, कुछ तो इतने कमाल से करते हैं कि वो अपने ही पांव छू करके पैरी पौना कर लेते हैं। लेकिन मैं ये निवेदन करूंगा, श्रद्धा पूर्वक आप जहां भी खड़े हैं वहीं दोनों हाथ जोड़कर हम प्रणाम करें, क्योंकि इस प्रणाम में एक बड़ा महत्व है। जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ने के साथ ये दोनों हाथ के अंगूठे हृदय को छूते हैं और माथा झुकाते हैं, तो हम कहते हैं जिसको भी प्रणाम कर रहे हैं, जिसको भी नमन कर रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि मैं अपने हाथों की संपूर्ण शक्ति के साथ आपकी सेवा और सहयोग करने के लिए आपको अभिवादन करता हूं, अपने हृदय का समस्त प्रेम लेकर मैं आपका नमन करता हूं, और समस्त बुद्धिमत्ता के साथ सिर झुकाकर, समस्त बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारी के साथ, अहंकार को गलाकर आपका होकर आपको प्रणाम करता हूं। तो ये इतनी बड़ी भावना इसके अंदर छिपी हुई है। ये परंपरा से हम गुरु को भी प्रणाम करें और प्रणाम करने की परंपरा यही है। धन्यवाद महर्षि। अगला प्रश्न रियागदा ओरिसा से बहन रुक्मणी जी का है। ये कहती हैं कि गुरुजी, जब भी मैं ध्यान लगाती हूं तो मेरे सिर में काफी दर्द होता है, कृपया बताएं कि मैं क्या करूं। देखिए, एक तो जब भी आप बैठें तो लकड़ी का पटरा और उसके ऊपर पतली सी कोई रुई का गद्दा या कोई आसन जरूर बिछा लें, अर्थिंग ना होने दें, और दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। और एक खास बात और ध्यान रखनी है कि आपको प्राणायाम थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए। प्राणायाम में ये ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले संतुलन बनाने के लिए बायां स्वर और दायां स्वर दोनों का संतुलन बनाने के लिए लोम अनुलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए, या कहना चाहिए कि नाड़ी शोधन प्राणायाम विधि पूर्वक पहले करना चाहिए, उसके बाद में दूसरे प्राणायाम भी कर सकते हैं, फिर आपको ध्यान में बैठना चाहिए। और अगर आप कोई और बसरिका या कपाल भाती तुरंत सीधा सीधा करने लग जाते हैं और दोनों तरफ का बायां स्वर दायां स्वर, सूर्य स्वर चंद्र स्वर दोनों का संतुलन नहीं बनाते, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का संतुलन नहीं बनाते, तो निश्चित रूप से गड़बड़ होती है। एक बात और, अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो भी आपको एसिडिटी वगैरह से बचने के लिए कुछ प्रयोग कर लेने चाहिए। और कफ प्रवृत्ति है तो कहीं ये ध्यान रखना चाहिए कि नजला कहीं मस्तिष्क में या किसी जगह पर भरा हुआ ना हो, उसका भी थोड़ा ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाकी सामान्यतया जो मैंने बताया व्यवहार कीजिए, फर्क पड़ जाएगा। अगला प्रश्न मनीला फिलीपीन से बहन दिया शेखरमानी जी का है। पूज्य गुरु जी, इंसान अपनी जिंदगी में किसको ज्यादा महत्व दे, प्रार्थना को या परिश्रम को? मनीला से फिलीपींस से प्रश्न पूछा गया है, तो मैं उनको ये कहूंगा, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के देश में आ रहा हूं और आप लोगों से मिलने के लिए आ रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे मनीला में ही मिलेंगे और बताएंगे कि जब आप
सवाल पूछ रहे थे तो वही आप हैं, तो मेरे सामने आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और जो इन्होंने प्रश्न किया है, प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों में से ज्यादा क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से दोनों का अपना योगदान है। प्रार्थना तो आपको सुबह शाम करनी ही है, यहां तक भी करनी है कि जब आप अपना काम शुरू करने लग जाएं, आधे मिनट के लिए ही सही भगवान से आप मदद मांगें, उसको याद करके काम में लगें, लेकिन कर्म की जगह कर्म करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, कर्म को नहीं छोड़ना। जो लोग कर्म छोड़कर बैठ जाते हैं वो गलत करते हैं। यहां एक वाक्य याद कर लें सभी लोग, एक वाक्य जो मैं बताने लगा उसे आप बार बार मस्तिष्क में दोहराएं। जब आप प्रार्थना करें तो इस तरह करें कि जैसे सब कुछ प्रार्थना के माध्यम से ही होगा, लेकिन जब कर्म करने के लिए आए तो इस तरह महसूस करें कि सब कुछ सिर्फ मेरे कर्म पर ही निर्भर करता है। मतलब प्रार्थना में जाएं तो प्रार्थना पूरे मन से कीजिए, और जब कर्म में जाएं तो कर्म में भी पूरे मन से पूरी शक्ति से आप जुट जाएं, और प्रार्थना के समय समझें सब कुछ मेरे भगवान पर निर्भर है, और जब कर्म करने पर जाएं तो सब कुछ मेरे कर्म पर निर्भर है, ये महसूस करके अपने आखिरी ऊर्जा के हिस्से तक पूरी ताकत लगा दें। और जब प्रार्थना करने आए तो अपनी भावना का पूरा उद्वेग उसमें लगा दें। जब आप इसका संतुलन बनाना सीखेंगे निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद महाश्री। अगला प्रश्न जयपुर से बहन मंजूषा पांडे जी का है। गुरुवर आपको कोटि कोटि नमन। ध्यान लगाना बहुत अच्छा लगता है, पूरे दिन संतुलन बनाने की कोशिश भी रहती है, लेकिन वो आत्मबल कैसे प्राप्त करें जिससे अपनी बात सही तरीके से सबके सामने रख सके। आत्मविश्वास की कमी है, आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करें। मंजूषा जयपुर से। मंजूषा को मैं ये कहूंगा कि आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। आपका ध्यान लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं तो ये कहूंगा जैसे ही आप चक्रों का ध्यान शुरू करेंगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें और आनी चाहिए, वो सब अपने आप जागेंगे। कहीं निर्माण की शक्ति जागेगी, कहीं आनंद की शक्ति जागेगी, कहीं आप निर्भयता की शक्ति को प्राप्त करेंगे, कहीं आपको प्रेम और रिश्तों की गरिमा समझ में आएगी, कहीं आपको लोक व्यवहार की शक्ति प्राप्त होगी, कहीं आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागेंगी, क्या क्या सीखा जा सकता है, क्या कुछ हम कर सकते हैं, कहीं आपको लगेगा कि हर रूप में कर्म करते हुए जहां भी हम खड़े हुए हैं वहां कैसे आनंदित रह सकते हैं। तो चक्रों के माध्यम से आप अपनी शक्तियों को जब जगाएंगे तो आपके अंदर एक संपूर्णता आएगी, बहुत कुछ चीजें आपके अंदर घटेंगे जो अभी आपको नहीं पता लग रही। इसलिए आप जारी रखिए, ध्यान में जहां तक आप पहुंचे यहीं से आगे के और बहुत सारे रास्ते आपको मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है उनके साथ। धन्यवाद महाश्री। अगला प्रश्न न्यू दिल्ली से भाई गौरव गुप्ता जी का है, ये इंजीनियर है। ये लिखते हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हम जानते हैं कि हम उस ज्योतिश्वर प्रभु से बिछड़े हुए उनके बच्चे, उनके अंश हैं, और उसी परमानंद परम पिता में समा जाना हमारा लक्ष्य है। फिर गुरुवर, भगवान ने ये दुनिया किस लिए बनाई और हमें अपने से अलग करके इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है, जब हमें वापस ही अपने पास बुलाना है। तो भगवान को भी कभी कभी सिर में खुजली होती है, इसलिए दुनिया बना देते हैं। देखिए, आप ऐसा समझिए, क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? इस सवाल से पहले जो इन्होंने कहा है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान में ही समाहित हो जाना है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, हम नदियों की तरह हैं, नदी सागर में मिलकर एक होती है। बात ठीक है कि नदी सागर में जाकर मिलती है, एक हो जाती है, सागर ही बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंश का मतलब ये नहीं कि हम भगवान का कोई एक टुकड़ा हैं, टूट के यहां गिरे हुए हैं
तारों का कोई खंड है, एक यहां पड़ा हुआ है एक वहां पड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हम सब जीव आत्माएं जिनको कहते हैं सत चित, परमात्मा को कहते हैं सत चित आनंद, भगवान हो गए सच्चिदानंद, हम हो गए सत चित, और एक तीसरी चीज है प्रकृति मैटर, वो सिर्फ सत है, सत्ता वाली है, अस्तित्व वाली है, उसकी हस्ती है मैटर जो है दुनिया में, प्रकृति जो है जिस मैटर से दुनिया बनती है वो है, लेकिन उसके अंदर चैतन्य नहीं है, चेतनता नहीं है, जीवन नहीं है। हमारा अस्तित्व भी है और हम में जीवन भी है, लेकिन हमारे अंदर कमी क्या रह गई, जो भगवान के पास है लेकिन हमारे पास नहीं, उसके पास आनंद है हमारे पास आनंद नहीं है, हम उस आनंद को ढूंढने के लिए दुनिया में आए हुए हैं। इसलिए अधिकांश रूप से महात्माओं के नाम के आगे आनंद जुड़ जाता है, इसलिए कोई शिव आनंद है, कोई दयानंद है, कोई देव आनंद है, देवानंद भी है, वो कोई एक्टर नहीं है। तो आनंद शब्द को जोड़ दिया जाता है, हमने तो आश्रम का नाम ही आनंद धाम लगाया, क्योंकि सबका धाम आनंद ही धाम है, आनंद को पाना ही हमारा लक्ष्य है। तो हम ये कहेंगे हम आनंद से बिछड़ गए थे, इस दुनिया में उस आनंद को पाने के लिए ही परीक्षा क्षेत्र से होकर वहां जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे भगवान ने बनाया कि जैसे किसी राजा ने एक परीक्षा ली, उसने कहा कि मैं सब कुछ लुटाने के लिए देने के लिए बैठा हूं, अपना सारा राज्य देने को तैयार हूं, कोई मुझ तक पहुंचे। तो उसने महल के जिस जरोखे में जाकर अपना आसन बिछा लिया, उस महल के आगे एक बड़ा सा मैदान है, उस प्रांगण में तरह तरह के आकर्षण वाली चीजें रखी हुई हैं और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आकर्षण दिखाई दे रहा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उनसे होकर व्यक्ति आकर्षण वाली चीजों में जाता है। तो लोग सब के सब चल पड़े, दरवाजा खोला गया 10 बजे और समय रखा गया कि शाम के 5 बजे तक आपको यहां पहुंचना है। अब 5 बजे तक लोगों ने सोचा भगवान तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, मतलब उस राजा तक तो पहुंच ही जाएंगे, तब तक हम कुछ खा पी लें। तो लोगों ने आसपास रखी हुई चीजों को पाने की चेष्टा शुरू की, कोई खाने में मस्त हो गया, कोई धन में मस्त हो गया, दुनिया भर की रंगीनियां दुनिया भर के आकर्षण थे, लोग उनमें लगे रह गए। और उनको दिखाई दे रहा था महल तो सामने ही है, हम तो दौड़कर वहां पहुंच जाएंगे, और कब 5 बज गए और सबको धक्का देकर बाहर निकाला गया। तो अधिकांश रूप से उस कीमती तत्व को जिसे हम पाने के लिए आए, क्योंकि राजा कोई और नहीं भगवान ही है, वो बैठे हुए आनंद देने के लिए, अपना सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। उन्होंने परीक्षा के लिए, क्योंकि कीमती चीज हरेक के हाथ में नहीं दी जा सकती, माँ बाप भी अपनी दुकान की चाबी नालायक बेटे को नहीं देते, जब तक वो लायक नहीं बनता तब तक चाबी नहीं मिलती, और चाबी भी दी जाती है तो भी ये ध्यान रखते हैं कि पहले इसको सिखाया जाए, थोड़ा थोड़ा कुछ उसको जिम्मेदारी देते देते लायक बनाया जाता है। तो आपको लायक बनाने के लिए दुनिया में भेजा गया है कि आप लायक बने, आप सीखें, बहुत कुछ पाएं और फिर उस आनंद को भोगने लायक बने। जब उस आनंद तक आप पहुंच जाते हैं तो आपको मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जब आप मोक्ष को पा लेते हैं तो उसका मतलब होता है लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक मोक्ष का आनंद भोगते हैं, उसके बाद फिर से आपको इस दुनिया में आने का मौका मिलता है। वो भी कैसे, जैसे कोई इस पृथ्वी ग्रह पर विजिट करने के लिए आया हो, विजिटर बनकर आया, वो आएगा इस दुनिया में खुशियां बांटकर दुनिया को जगाकर फिर अपने मोक्ष में चला जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो वो जब दुनिया में आता है तो दुनिया के दुख हरने के लिए आता है, दुनिया का भला करने के लिए आता है। तो आपको ये समझना है कि आप उस जगह तक पहुंच सकें, अपने को लायक बनाएं। पिता अपना आनंद देना चाहता है लेकिन नालायक बेटे को नहीं, तो आपको लायक बनाने के लिए भगवान ने यह कार्यक्षेत्र दिया है। परीक्षा इसलिए रची जाती है कि बच्चे को लायक बनाया जाए, फौजियों को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है
कि वो संकट का सामना कर सके। इसलिए पढ़ाई की जाती है कि आपको लायक बनाया जा सके। और अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम इस दुनिया में आनंद पूर्वक नहीं जी सकते। ठीक इसी तरह से भगवान अपना आनंद देना चाहता है, जिसकी हमें कमी है उसी के लिए इस दुनिया में आनंद पाने के लिए आते हैं, सीखने के लिए, ट्रेंड करने के लिए, खुद को प्रशिक्षित होने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो परीक्षा नहीं पास कर पाते और अपना दुख बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए दुनिया में दुख दिखाई देता है, एक तरफ स्वर्ग है एक तरफ नरक है। तो जब जब हम समझदार होते जाते हैं तो हमारा स्वर्ग हमारे नजदीक आता है। इसलिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो इन परीक्षाओं में पास होने के लिए हमें सहयोगी बन जाए, और उसी का नाम सद्गुरु है, जो हमें वहां लेकर जाता है, जिससे हम उस आनंद को पा सके। धन्यवाद महर्षि। अगला प्रश्न मुरादाबाद से भाई विनोद जी का है। ये प्रश्न भी पहले के प्रश्न से कुछ मिलता जुलता है। ये लिखते हैं, गुरुवर आपको कोटि कोटि नमन। शरीर तो पांच तत्वों का है, जो कि मृत्यु के बाद फिर अलग अलग होकर अपने स्वरूप में मिल जाता है। आत्मा अगर अजर अमर है तो फिर मुक्ति किसको मिलती है? मुरादाबाद वाले जो सज्जन है, विनोद नाम बताया जी, विनोद रोहिला। हाँ, विनोद जी ने बड़ा कमाल का सवाल किया है, क्योंकि सीधा ही सीधा मुक्ति तक की बात कर ली। अच्छी बात है। देखिए, शरीर से आत्मा निकलता है, तो जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है तो आत्मा को एक शरीर और मिला हुआ होता है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसमें 17 तत्व होते हैं, उसमें मन बुद्धि भी होता है, साथ में यादें होती हैं पिछले जन्म की, या ऐसे कह लीजिए पिछले जन्म के कर्मों के बीज साथ होते हैं। वो आपको फिर दोबारा दुनिया में लेकर आते हैं और आपको सुख दुख भुगवाते हैं, फिर पीड़ा भोगते हैं आप दुनिया में। उस सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, क्योंकि एक आपका शरीर है जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं स्थूल शरीर, एक इसके अंदर है उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, और एक दोबारा दुनिया में लौटाने के लिए माध्यम बनता है उसे बोलते हैं कारण शरीर। तो जब आप अपने सूक्ष्म शरीर से भी छुटकारा पा लें, क्योंकि स्थूल शरीर से तो छुटकारा पा लिया, सूक्ष्म शरीर से भी छुटकारा पा लें तो आपकी मुक्ति होती है। और जब आप उससे मुक्त हो जाते हैं तो फिर आप अपने आनंद से जुड़ जाते हैं। आनंद वह चीज है जिसका एक क्षण इस दुनिया में संसार के विषय भोगों में एक छोटा सा कण, जैसे अचानक लाइटर की चिंगारी जागती है ना, चुटकी बजाने में भी ज्यादा देर लगती है। इतना छोटा सा क्षण आनंद का लेने के लिए दुनिया में लोग न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो आनंद तो लाखों करोड़ों सालों तक रहता है। बहुत लोग ये पूछते हैं, इतने सालों तक आनंद भोगते भोगते आदमी बोर नहीं हो जाता? उसी में पड़ा रहे, उसी में पड़ा रहे। लेकिन जरा कोई पूछे, आप ही अपने मन से पूछना, जब आपकी जिंदगी का बहुत सुखद क्षण हो तो आप क्या कहते हैं, वक्त रुक जाए यहीं, अपने बिछड़े हुए मिल जाए। आपको वक्त का पता ही नहीं लगता। आप बैठे हैं तो 24 घंटे भी बीत गए हो तो भी आपको लगता है आज तो दिन का पता ही नहीं लगा। तो वो आपको करोड़ों साल भी पता नहीं लगेंगे कब बीत गए। कहते हैं ना कि सुख के आराम के गुजर जाते हैं 100 बरस और गम की कटती नहीं एक रात, गालिब गम बुरी बला है। तो दुख बहुत पीड़ा देता है, इसलिए कहते हैं दुख एक क्षण का भी 100 सालों बराबर लगता है और सुख 100 साल का भी एक क्षण के बराबर लगता है। तो शरीर से आत्मा निकली, उसी के साथ सूक्ष्म शरीर निकला। वो सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक आप दुनिया के बंधन में हैं। इससे जब मुक्ति पा लेते हैं तब आपकी मुक्ति होती है। धन्यवाद महर्षि। अगला प्रश्न न्यू दिल्ली से भाई वीरेंद्र धीमन जी का है।
गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। किसी प्राणी को जब ये लगे कि उसका अंत समय आ गया है, तब वह गुरु मंत्र का जाप करे या इष्ट देव का ध्यान करे? देखिए, अंतिम समय सामने आ गया या नहीं आया पता भी नहीं लगता, अंतिम समय है। आदमी आखिरी समय तक भी जो है दुकान के सपने देख रहा होता है, क्योंकि सारे बच्चे साथ में खड़े हैं, उनको पता है डॉक्टर ने कह दिया कि बस अब जिएगा नहीं, और सब बच्चे खड़े होकर पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी जो आपने कहना है कह दीजिए। वो तो सोच रहे हैं शायद धन के बारे में बताएगा, और वो धन का या भगवान का नाम ना लेकर सीधा कहता है सब यहीं खड़े हुए हैं, कोई दुकान में भी है या नहीं है, उसका ध्यान तो दुकान में ही लगा हुआ है। तो आपको ये तो पता लगेगा ही नहीं कि अंतिम क्षण है या नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों के बारे में मुझे पता है, कुछ लोग मुझे मिले। अभी एक डॉक्टर, हिंदुस्तान के माने हुए डॉक्टर हैं, वो मुझे मिलने के लिए आए, तो चेन्नई के रहने वाले। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी गए तो उन्होंने मुझे 4 दिन पहले कहा इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर मैं चला जाऊंगा, और तुम ये व्यवस्था कर लेना। कि उसी तरह से माँ ने मुझे 11 महीने पहले बोल दिया कि इस तारीख को इस तिथि को इतने बजकर इतने मिनट पर बेटा मैंने शरीर छोड़ देना है, तो तुम सब ये तैयारी करो अपनी और ऐसे से चलो। और वैसे ही उनके बैठे बैठे प्राण निकल गए, क्योंकि उनको भी डेट याद नहीं रही, हमको भी डेट याद नहीं रही, और बाद में पता लगा कि जो लिखा हुआ उस तरह हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि पता तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहता हूं कि आपको हमेशा गुरु मंत्र अपना जाप करते रहना चाहिए। गुरु मंत्र गुरु जी का मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र ईश्वर का ही मंत्र है। और इष्ट देव का ध्यान करने का मतलब है उस परम सत्ता को इष्ट के स्वरूप में ध्यान में रखना। क्योंकि आदमी जब भी भगवान के विषय में सोचता है तो किसी न किसी आकार को सामने रखता है, कोई शिव को, कोई राम को, कोई कृष्ण को। कुछ लोग जो सबको मानते हैं वो किसी को भी नहीं मानते, ये ध्यान रखिए। जो सबको मान रहे हैं वो किसी को भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, जो सब में अपने उसी एक भगवान को देख रहे हैं वो जरूर मानते हैं। कि अलग अलग नाम है, अलग अलग आकार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब में निराकार परमेश्वर एक ही है, वही एक परम तत्व है, वही मेरा शिव है, वही मेरा कृष्ण है, वही मेरा गोविंद है, वही माँ दुर्गा दुर्गति नाशनी जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी है, और वही विघ्न विनाशक गणपति है, और वही हनुमान है, उसी को नारायण के रूप में भी मैं पूज रहा हूं। तो अलग अलग नाम है लेकिन शक्ति एक ही है, इसलिए एक शक्ति को ही आप पूजते हैं और एक ही तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। धन्यवाद महर्षि। अगला प्रश्न बहन समिता नारलेकर जी का है, इन्होंने ये नहीं लिखा कि कहां से हैं। ये पूछती हैं कि इंसान के अंदर 7 चक्र होते हैं, एक एक चक्र के देवता कौन से हैं? देखिए, सभी के देवता भी अलग अलग हैं, और सबकी ध्वनियां भी अलग अलग हैं, और सबके रंग भी अलग अलग हैं, और सब चक्रों के पुष्प भी अलग अलग हैं। इसलिए एक ही चीज से पूछने से कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन मैं ये आपको याद करा देता हूं कि ये जो अलग अलग चक्र हैं, ये वहां ये देवता बैठे हैं, उधर वाले वो देवता बैठे हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे देवता और राक्षस हमारे अंदर बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये समझ लीजिए ऐसी शक्तियां हैं हमारे अंदर। शक्ति से मतलब है एनर्जी का ऐसा रूप। अगर हम ये कहते हैं कि जैसे हम मूलाधार चक्र में ध्यान करते हैं तो वहां गणपति भगवान है, तो गणपति भगवान वहां बैठे हुए हैं, तो सूंड वाले जो है गणपति वहां, क्योंकि बहुत सारे लोग यूरोपियन तो गणपति को एलिफेंट गॉड गणेशा ऐसा बोलते हैं, तो वो एलिफेंट गॉड है ऐसा नहीं है। बहुत बार मैंने ये समझा दिया कि आपको कि उसका मतलब क्या होता है, वो क्या भावना है। ये समझाया गया है कि मेरा ईश्वर वो है कि जो हर
अच्छाई बुराई को पाताल में छिपी भी हमारी किसी चीज को भी, हमारी गलती और अच्छाई को, सुगंध दुर्गंध को वहीं से सूंघ लेते हैं। और उनका नाक बड़ा होने का मतलब है कि उनसे बढ़कर बड़ा नाम किसी का नहीं है, सबसे बड़ा नाम भगवान का ही है। और वो सबको खिलाता है, हाथ में लड्डू लिए हुए है, खुद का मुंह ढका हुआ है, खाता नहीं है, खिलाता है। हम उसको दे भी रहे हैं तो दिया हुआ भी उस तक पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस तक पहुंचाने का तरीका जीव जंतुओं की सेवा, गरीब की सेवा, दुखी की सेवा, माँ बाप का सम्मान, इस तरह से हम उस तक अपना सम्मान पहुंचाते हैं। तो अगर वहां गणपति का ध्यान हम कर रहे हैं तो वहां गणपति का ध्यान करने का मतलब है नेतृत्व शक्ति। जब भी मूलाधार चक्र में ध्यान होगा तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी जाग जाएगी। ब्रह्मा जी अगर स्वाधिष्ठान चक्र में उनकी शक्ति विराजमान है तो उसका मतलब इस चक्र के जागृत होते ही आपके अंदर निर्माण शक्ति जागृत हो जाएगी। इसलिए अलग अलग रूप हैं ये, और अलग अलग रूप होने का मतलब यहां विष्णु जी बैठे हुए हैं, यहां शिव जी बैठे हुए हैं, यहां रुद्र वाला रूप है, यहां सरस्वती वाला रूप है, या फिर अलग अलग दिव्य शक्तियां, देवी शक्ति भी अलग अलग बताई गई है अलग अलग जगह पर, और उनके वाहन भी हैं। तो बहुत बड़ा विस्तार है, उसको एक सेकंड में आप नहीं समझ सकेंगे। सार में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जैसे जैसे चक्रों का ध्यान आप करेंगे आपकी पर्सनालिटी में एक अलग तरह का व्यक्तित्व में निखार आता है, निर्भयता आती है, शांति आती है, नेतृत्व शक्ति आती है, निर्माण करने की चीजें आपके अंदर जागती हैं, आपका हृदय चक्र अनाहत चक्र में आप जितने जितने जागृति पैदा कर लेंगे आपकी प्रेम की शक्तियां बढ़ जाएंगी, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। कंठ चक्र में ध्यान करते करते आप लोक व्यवहार में अद्भुत हो जाएंगे, सरस्वती वाग देवी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये शक्तियां जगाने के केंद्र हो सकते हैं, इसलिए उनके नाम गिनने से कोई फायदा नहीं। अगला सवाल, अगला प्रश्न न्यू दिल्ली से बहन पूनम रावत जी का है। मैं गुरुधाम जाना चाहती हूं और वहां जाकर नाम लेना चाहती हूं, लेकिन मेरे पतिदेव ये सब नहीं मानते, तो मुझे क्या करना चाहिए? घर की शांति के लिए जाना चाहिए या वहां जाने का ध्यान छोड़ देना चाहिए? घर में शांति रहे तो नहीं जाना चाहिए। इन्होंने ऐसे ही लिखा महाराज जी, इन्होंने ऐसा लिख दिया, लेकिन मतलब उनका यही होगा। देखिए, सबसे पहले गुरु जी, बाद में अपने घर में सुख शांति बनाओ भाई। अगर आपके पति नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको समझ आए। हाँ, दूसरे ढंग से अगर मैं ये कहूं, प्रत्येक जीव इस दुनिया में अपनी यात्रा कर रहा है और उसे अपनी मुक्ति का और अपने सुख का, आनंद का, अपने कल्याण का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। न तो किसी का पति किसी को पहुंचा सकेगा वहां, न किसी की पत्नी कल्याण करेगी। आपकी यात्रा अपनी अकेले की यात्रा है, लेकिन आप बंधे हुए हैं अपनी मजबूरियों में, इसलिए आप उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप जहां हैं वहां श्रद्धा से मानिए। एक रस्म अदायगी की तो बात है, गुरु तो आपके जब दिल में आ गए, मन में आ गए, भावनाओं में आ गए, तो समझ लेना गुरु तो आपके पास आ ही गए। गुरु का ज्ञान टीवी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, कैसेट सीडी के माध्यम से आपको मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप में लगन होगी, आप उस लगन को लगाए रखिए, लगन की अगन आपकी जिंदगी में प्रकाश देगी, आपका रास्ता बनेगा। और थोड़े दृढ़ बनिए, जब आप और सब चीजों में जिद कर सकते हैं तो अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए जिद क्यों नहीं? हमेशा अच्छे काम के लिए जब आप जिद करते हैं तो कल्याण होता है, लेकिन हम डरपोक बन जाते हैं। बुराई करते समय, गुस्सा करते समय, लालच करते समय, किसी का और कुछ बुरा करते समय, तब तो आप बिल्कुल नहीं डरते। एक भलाई के कारण आदमी जो है वो दब्बू बन जाता है, तो अपने को मजबूत तो करना ही चाहिए। हाँ, मेरी सलाह यह है, घर की सुख शांति ही हम चाहते हैं। गुरु भी इसलिए किया जाता है कि वो घर में सुख शांति रखे, जीवन में सुख शांति रखे, लेकिन वो झूठी सुख शांति पा रहे हैं आप। सच्ची सुख शांति अगर आपने प्राप्त करनी है
तो उसके लिए तो आपको अपना मस्तिष्क भी जागृत करना होगा, हृदय भी, अपने घर के वातावरण को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। और आप कोई खूंटे से बंधी भी वो गाय नहीं है कि कोई कहीं भी खींच कर ले जाए और आप जाएं, खिलाए तो खाएं, बैठाए तो बैठ जाएं। तो इस तरह की मजबूरी वाली जिंदगी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे का मान सम्मान रखना, प्रेम प्यार रखना, प्रेम ही एक धागा है जो आदमी को बांधे रखता है। लेकिन अगर वो बंधन ऐसा बंधन बन जाए कि जिसमें एक मालिक बन जाए, दूसरा जो है दास बन जाए, इसलिए मेरी पत्नी मेरे पति, तो वस्तु नहीं मानो एक दूसरे को, मेरी किताब मेरा धन मेरी दुकान, और उस तरह से नहीं। हाँ, इस तरह से जरूर माने कि दोनों के ऊपर प्रेम का इतना बड़ा अधिकार है कि दोनों की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहें, उस समय सब कुछ मेरा महसूस होता है, तो उसमें कल्याण है। तो बाकी विशद चर्चा के लिए लंबा समय हो तो चर्चा हो सकती है। इतना ही कहूंगा, मजबूत रहिए और अपने कल्याण का मार्ग ढूंढिए। धन्यवाद महर्षि। अगला प्रश्न भाई दिनेश गोपालानी जी का है। ये लिखते हैं, आदरणीय प्रणाम, मैंने अपने गुरु को साक्षात नहीं देखा, सिर्फ उनके भक्त और उनकी किताबें पढ़ी हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आध्यात्मिक प्रगति के लिए साक्षात गुरु का होना जरूरी है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर आपके गुरु रहे हैं और अब नहीं हैं, तो आपने जो उनसे मार्ग निर्देशन लिया है उसके माध्यम से आप लगातार आगे प्रयास करते रहिए। आपके गुरु आपको स्वप्न में भी आकर सहायता करेंगे और आपके साथ रहेंगे। कहीं भी आत्म तत्व के लिए दूरी नहीं होती। और मैं ये भी कहूँगा कि कोई भक्त कहीं भी बैठा हुआ, अगर उसकी श्रद्धा गहरी है, तो तन से गुरु कहीं भी हो, लेकिन प्रेम की शक्ति के द्वारा वो आप तक वहीं उसी तरह जुड़े हुए होते हैं। आप महसूस करेंगे, कभी कभी तो यह लगेगा जैसे गुरु आपके घर में होकर के और कुछ लेकर के दे करके गए हैं, आपके कोई चीज खिलाने के लिए रखी है, शायद आपने उनको भोग लगाने के लिए दी, तो ऐसा भी अनुभव होगा। प्रेम की आंखें बहुत अद्भुत होती हैं और प्रेम की अनुभूतियां भी अद्भुत होती हैं। तो इसलिए आप अपने गुरु का सहारा ले सकते हैं। हाँ, अगर उसके बाद भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गुरु कोई और होते हैं, उसके बाद भी वो लोग हमसे जुड़े रहते हैं और ये कहते हैं कि गाइडेंस हम आपसे लेना चाहते हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? तो मैं उनसे कहता हूँ कि मानिए भले ही उनको, लेकिन कुछ जानने के लिए अगर मैं सहयोगी बन सकता हूँ तो मैं तैयार हूँ। आप भले ही उनको सब कुछ मानिए, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे मानता या नहीं मानता, लेकिन मुझे इससे जरूर फर्क पड़ता है कि कोई ईश्वर को मानता है या नहीं मानता। मैं ईश्वर को मनवा लेना चाहता हूं, अपने आप को नहीं, क्योंकि मैं जिस मार्ग पर चलते चलते जहां तक पहुंचा हूं, पीछे आने वालों को सहायता देना चाहता हूं। इसलिए ये कोई तरीका नहीं है कि गले में घंटी बांधकर मैं ये कहूं कि ये भेड़े मेरी वो भेड़े उसके, ऐसा नहीं। मैं ये मानता हूं कि मेरा साथ जो जुड़ा वो एक परिवार हो गया, हम मिलकर के उस भगवान की तरफ चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई और परिवार से भी आ गया, तो मैं तो मानता हूं वो भी मेरा ही परिवार है, मेरे से अलग नहीं है, इसलिए पूरा स्वागत है। धन्यवाद महर्षि। अगला प्रश्न उल्लास नगर से बहन मनीषा मेंडा जी का है। ये स्टूडेंट हैं। ये पूछती हैं, गुरु जी, किसी पर विश्वास कैसे किया जाए, उसका आधार क्या हो? विश्वास करने का आधार क्या हो? देखिए, दिल और दिमाग दोनों चीजों का उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। समझ की, आंतरिक दृष्टि की बहुत आवश्यकता है। विश्वास का फायदा उठाने वाले पूरी ताकत लगा देते हैं विश्वास जमाने में, और नकली अपना विश्वास बहुत जल्दी बना पाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है, बहुत मीठा बोल सकता है। इसलिए इस दुनिया में जो ज्यादा भावुक लोग हैं, ज्यादा इमोशनल हैं, उन लोगों के साथ बहुत धोखा होता है। वो बेचारे बहुत धोखे के शिकार होते हैं।
उसके बाद उनकी शिकायतें भगवान से भी रहती हैं, हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। तो भाई इतने भावुक मत बनो, हालांकि मैं भी भावुक हूं, बहुत भावुक, बहुत इमोशनल व्यक्ति हूं। तो ज्यादातर इमोशनल लोगों के साथ ऐसा होता है, उनको ठगने वाले, चोट पहुंचाने वाले, धोखा देने वाले ज्यादा लोग हो जाते हैं, और वो अपनी बुद्धि का या विवेक का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आंखों में प्रेम इतना ज्यादा भरा हुआ होता है, वो देखना ही नहीं चाहते। और जब देखते हैं, समझते हैं, तब उन्हें पता लगता है, अरे ये तो बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, हम लोग क्यों नहीं समझ पाए। ये दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको दोनों में संतुलन बनाना, दिल और दिमाग में, तो दोनों का संतुलन बनाकर चलेंगे तो निश्चित ही विश्वास को समझ पाएंगे। अगली बात कीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि 7 बजने वाले हैं और मैं चाहूंगा 7 बजे हम इसको संपन्न कर दें। जी महाराज जी, अगला प्रश्न भिलाई से भाई रमेश कुमार मिश्रा जी का है। ये लिखते हैं, गुरु जी इंसान आदतों का गुलाम कैसे बन जाता है और इन आदतों की गुलामी से कैसे छुटकारा पाया जाए। देखिए मैं एक बात बताऊं आप सबको, आप लोग जो सत्संग सुनते हैं ना, सत्संग में एक आध विषय एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, तो उसका अपना आनंद है, और ये जो प्रश्नोत्तर का आनंद है ये बिल्कुल ही अलग तरह का, क्योंकि इसमें बहुत तरह का गुलदस्ता मिलता है, बहुत तरह के रंगों से भरे हुए फूल, खुशबू से भरे हुए फूल होते हैं, और सबकी अपनी एक विशेषता होती है। इसलिए जब कभी ऐसा मौका मिलता है ना, महीने में एक बार ये कार्यक्रम होता है, तो इसके साक्षी बनने में आपको 1000 काम छोड़ के आना चाहिए, ये बहुत ही अद्भुत चीज है। तो प्रश्न पूछा गया है कि आदमी आदतों का गुलाम कैसे बनता है, भाई इतना ही पूछा गया है ना। देखिए हम पहले आदत बनाते हैं, फिर आदत हमारी जिंदगी बनाती है। आदत अच्छी है तो जिंदगी अच्छी है, आदत बुरी है तो जिंदगी बुरी है। किसी भी चीज को हम दोहराते दोहराते, रिपीट करते करते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो चीज आदत बनती है। जब वो आदत बन जाती है तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे रस्सी बनाने वाले को कभी आप देखना, जो रस्सी बटते हैं ना, ये जो आप मेरे हाथ में इतनी सारी राखियां बांध दी गई और साथ में जो है बहुत सारी ये भी हैं और बहुत सारी वो भी हैं जो रखी रह गई और बहुत वो भी हैं जो अभी सामने हैं, लेकिन अगर आप कभी बहुत ध्यान से देखें तो किसी भी राखी को जब आप देखते हैं ना, उसको बटा जाता है। जैसे ये है, अब इसको आप देखेंगे तो यहां इन छोर को ऐसे मिलाकर इस तरह बटते जाते हैं, ये बट गई, बटने का मतलब बांटने दी गई, इसको कई गुणी ताकत इसकी बढ़ा दी गई। जैसे जैसे हम इसको और लपेटा देते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, ये मजबूत होती जाती है। तो प्रत्येक दिन हम अपनी आदत को जैसे जैसे ऐसे रोज ऐंठते जाते हैं, घुमाते जाते हैं इसको, तो मजबूत होती जाती है, हमारी आदतें ऐसे मजबूत हो जाती है। तो पहले ये धागा आसानी से टूट सकता था, अब नहीं टूट रहा। ऐसी और रस्सी इसमें धागे मिलते जाएं, इसको बटते जाएं, तो ये इतनी मजबूत हो जाएगी कि पहले तो इसको छोटा सा बच्चा क्या कोई भी तोड़ देता, और बाद में ये कैसी हो जाएगी, हाथी को भी बांध के खड़ा कर देगी, हिलने नहीं देगी। ऐसे होती हैं आदतें, धीरे धीरे बनती हैं, रोज हम उसको जोड़ते जाते हैं, रोज उसको दोहराते जाते हैं। जितनी बार दोहराओगे, जो लोग कहते हैं ना एकदम छोड़ोगे चीज नहीं छूटेगी, धीरे धीरे छोड़ो, बिल्कुल नहीं छूटेगी। जब आप उसे रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन, हर आदत रिपीटेशन मांगती है, दोहराव मांगती है, पुनरावृत्ति को मांगती है कि दोहराओ मुझे, दोहराओ मुझे, दोहराओ मुझे, दोहराओ मुझे। जब आप उसको दोहराने लग गए तो फिर यह ध्यान रखिए कि वो मजबूत होती जाती है। इसलिए किसी भी आदत को जब आप जोड़ना चाहते हैं तो कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाती है। अच्छी आदत भी बनाना चाहोगे तो अच्छी आदत सिर्फ 3 हफ्ते का प्रयोग कीजिए, 21 दिन लगातार कोशिश कीजिए, आपकी आदत बन जाएगी। छुड़ाना चाहोगे तो 44-42 दिन लगातार मेहनत करो, डबल समय लगेगा।
लगातार उसे छोड़ने के लिए अभ्यास करते रहिए और उसके बाद मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहिए, तो आप अपने को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इसलिए आदतें बनती ऐसे हैं और ये शुरुआत में ऐसे होती हैं जैसे कोई पौधा लगाया जाए, कोई भी उसे उखाड़ कर फेंक सकता है, और बाद में पौधा बन जाए पेड़ तो फिर उसको उखाड़ना आसान नहीं है, फिर उखड़ेगा नहीं, फिर तो औजारों से काट काट कर उसकी जड़ें निकालोगे, कितने सारे लोग लगेंगे तब जाकर निकलेगी। इसलिए पहले हम आदतें बनाते हैं, बाद में आदतें हमारी जिंदगी बनाती हैं। आदतें अच्छी हैं तो जिंदगी अच्छी है, आदतें बुरी हैं तो जिंदगी फिर बुरी बन जाती है। इसलिए आदमी बुरा भला नहीं होता, आदतें बुरी भली होती हैं। आदत से जब लाचार हो जाता है आदमी तो आदत पड़ जाती है गाली देने की, सिगरेट पीने की, मजाक उड़ाने की, माथा पीटने की, किस्मत कोसने की, दूसरे को बुरा भला करने की, चुगली चुगली खेलने की, बहुत तरह की आदतें हैं। तो आप धीरे धीरे अपने पर कब्जा जमाइए, अपने को चेंज कीजिए। निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि आदमी की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। धन्यवाद महर्षि। अगला प्रश्न न्यू दिल्ली से बहन पारुल का है। ये लिखते हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर यह बताएं कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। ये ऐसा सवाल पिछली बार, पिछले से पिछले में किसी में आया है, फिर से उसको पूछा गया है, तो मैं तो समझूंगा कि पिछला जो भी कुछ है उसको देख लिया जाए। बस ऐसा समझ लीजिए कि रुका हुआ पानी मोह है, बहता हुआ पानी प्रेम है। प्रेम ताजा है, प्रेम त्याग चाहता है, मोह अपने लिए कुछ चाहता है। आप प्रेम में अपने बच्चे के प्रति हैं तो आप उससे कुछ नहीं चाहते, उसके लिए सब कुछ चाहते हैं। लेकिन जैसे आपका मोह पैदा होगा तो आप बच्चे से सब कुछ चाहेंगे, यहां तक चाहेंगे वो अपनी पत्नी के साथ खुश न रहे, मेरा ध्यान रखे, मेरे पांव दबाकर सोए। तो ऐसा कुछ महिलाओं को मैंने देखा जिन्होंने बहुत कष्ट सहकर बच्चों को पाला, अपने शादी हो जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बुला के कहा, रात को बहू बेटा मेरे पांव दबा के सोएंगे। तो उसको, उसके अहंकार को तुष्टि मिलती थी, देखो बेटा पांव दबा रहा है। बाद में बहू ने सिर दर्द का बहाना शुरू किया, वो नहीं आती थी तो बेचारा अकेला ही पांव दबाता था। और चलते चलते एक दिन वो स्थिति आ गई, इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और तलाक तक नौबत पहुंच गई, पत्नी छोड़कर चली गई। और बाद में उसने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, वो महिला ये तो चुड़ैल थी, मेरे बेटे को खा जाना चाहती थी, मेरे बेटे को कब्जे में करना चाहती थी। बात वहां तक आ गई कि उसके बाद फिर दहेज का मुकदमा के उनके ऊपर दायर हुआ, उनका मकान तक बिक गया, हालत खराब हो गई, पर उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। और बाद में रो रहे बैठे, हमारे ऊपर शनि की ढैया थी, और शनि की ढैया नहीं थी, तुम्हारी बुद्धि खराब थी। वो मोह के कारण अगर तुम पहले ध्यान रखते, अपने प्रेम को बनाकर रखते, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा बेटा, मेरी बहू, बहू भी बहू नहीं है, वो मेरी बच्ची है, किसी और के घर में पल रही थी, मेरी अमानत थी, मेरे घर की राजलक्ष्मी थी, गृह लक्ष्मी मेरे घर में आई, मैं उसको अपनाऊं और मेरा क्या है, ये खुश रहेंगे तो मैं भी खुश हूं, ये सोच लेती तो ये तो था प्रेम। लेकिन प्रेम नहीं रखकर उसने प्रेम को मोह में बदल दिया। वो सारा बदला चुका लेना चाहती थी कि अब मैं बटन दबाऊं और बहू भागी भागी आए, दौड़ी दौड़ी आए और मेरे पीछे पीछे घूमे। तो आजकल बच्चे ऐसे है ही नहीं। अब बच्चे जो है अगर थोड़ा कर भी देंगे, आप कब तक कराओगे? तो इसलिए प्रेम में जीना अच्छी बात है, मोह में अच्छा नहीं है जीवन। अगर इसके रूप देखने हो तो आप धृतराष्ट्र को याद कर लीजिए, जिसके कारण महाभारत घटित हो गया, क्योंकि वो मोह में अंधा था, आंख से भी अंधा था और मोह से भी अंधा था। ऐसे बहुत लोग मोह में अंधे हो जाते हैं, सोच नहीं पाते। अपने बच्चों को लायक बनाकर उन्हें आप आगे लाएं तो निश्चित रूप से
तब तो वो प्रेम है। नालायक को आप लाकर बैठा दें, वो फिर प्रेम वाला रूप नहीं। अगला प्रश्न है महाराज श्री, न्यू दिल्ली से बहन अनीता ठुकराल जी का। प्रणाम गुरु जी, इंसान स्वयं कुछ करता है या सब कुछ उससे खुदा कराता है? देखिए, भगवान नहीं कराता, आपको आजादी दी गई। अगर भगवान कराता है तो फिर तो इसका मतलब आप तो गुलामी भोग रहे हैं। माँ बाप ही बच्चे से हर चीज कराते रहे, अपने बेटे से, जवान बच्चा है, बड़ा हो गया है, अब अगर उसको हर समय ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, अपनी समझ से कुछ भी नहीं करो, तो उसका मतलब यह है कि मंद बुद्धि बच्चा है। आपको पूरा फ्रीडम दिया गया है, भगवान ने दिया है फ्रीडम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो वा इति कर्ता। भगवान ने हमें कर्ता बनाया, भगवान भी करता है, तो अच्छा करना, बुरा करना, नहीं करना, सब कुछ हमारी मर्जी पर भगवान ने छोड़कर हमें आजादी दी है। इस आजादी के कारण हम कर्ता कहलाते हैं, इसलिए कराने वाले भगवान नहीं है। भगवान ने तो जो करना था कर दिया, अब करने धरने वाले, सुख दुख भोगने वाले हम हैं। हम लोग ज्यादातर धार्मिक लोग कि जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, और दुष्ट आदमी, बुरा बेईमान लोग ऐसे सोचते नहीं, वो अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, और भले लोग जो है अकेले कोने में खड़े हुए रोते रहते हैं, अपनी किस्मत ऐसी थी, भगवान ने शायद ऐसे ही चाहा था, वो ऐसे बोल बोल कर अपने को संतुष्ट करते रहते हैं। अपने को सुधारेंगे नहीं और ठीक नहीं करेंगे कि भगवान ने क्या किसी चोर को ये कहा था कि जाओ इसके घर में जाकर चोरी कर लो, भगवान ने किसी डाकू को यह कहा था जाकर इसके घर में डाका डाल दो, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। एक्सीडेंट भी उसकी मर्जी से हो रहे हैं, लोग भी उसी की मर्जी से मर रहे हैं, और कोई जहर खा रहा है तो भगवान की मर्जी थी तो खा लिया, फिर कोई हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या, मच्छर ने काटना ही है, आदमी ने मरना ही है, तो मरते रहो। क्यों आप सुधार करते हैं? आपको पूरी आजादी दी गई है, आप अपने अंदर चेंज लाएं, अपनी चीजों को ठीक करें। भगवान ये चाहते हैं कि जब आप एक सुंदर सुव्यवस्था कर लेते हैं तो आपके दुख दूर होते हैं। अब यूरोप अमेरिका में उन लोगों ने अपनी यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी कर ली है, इसलिए एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, और अगर और ज्यादा सुधार कर लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमारे यहां जो है सुधार की तरफ हम चल रहे हैं, पहले से कितनी तरक्की हिंदुस्तान ने की है, लेकिन सुधार की तरफ चल रहे हैं। जहां सुधार नहीं है वहां एक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, इतने युद्ध में लोग नहीं मरे जितने एक्सीडेंट में मर रहे हैं, यातायात के कारण, ट्रैफिक की प्रॉब्लम के कारण। तो जितना जितना आप जानते जाएंगे, सुधार करते जाएंगे, आप सोचिए कि पहले लोग बहुत छोटी उम्र में मर जाते थे, ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती थी, अब उम्र बढ़ रही है, औसतन उम्र व्यक्ति की बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि सुधार किए गए हैं, बहुत चीजों का ध्यान रखा गया। पहले तो हैजा से, प्लेग से, मलेरिया से, इसी से मौत कितनी हो जाती थी, अब इन चीजों पर काबू पाया गया है। तो आदमी की जानकारी बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि पहले ऐसे लिखा था कि प्लेग से हैजे से लोग मरेंगे इसलिए मर जाते थे, अब भगवान ने वो कापी फाड़ दी है, कह दिया अब जो हैजे और प्लेग से नहीं मरेंगे, अब और चीज से मरेंगे, इसलिए पहले वाला कैंसिल, नया ऑर्डर दे दिया भगवान ने। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरी छूट है आपके पास। अपनी जिंदगी को लंबा करो, अपने आप को बढ़ाओ, और नई नई खोजें करो जिससे आपकी जिंदगी और बेहतरीन हो सके। इसलिए इसमें दखलंदाजी करने भगवान नहीं आते, आपको पूरी आजादी दी गई है कि आप अपना अच्छा करें या बुरा करें, बीच में दखलंदाजी करने भगवान नहीं आते। उन्होंने चोर को भी उतनी आजादी दे रखी है, उतनी आपको दे रखी है, सबको आजादी पूरी पूरी है, लेकिन आप चोर से रक्षा करें, इसलिए तो घर में आप ताला लगा कर रहे हैं, आप अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही विश्वास है जो करेगा भगवान करेगा, ताला लगाने की जरूरत नहीं, खुला छोड़ दीजिए, जो आपका जाना है वो तो लिखा ही हुआ था भगवान ने। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई हो। जल्दी से अगला सवाल ले लें क्योंकि समय तो समाप्त हो गया, अब तो बहुत। अगला प्रश्न महाराज श्री दीपक राम रैना जी का है, ये लिखते हैं, गुरु जी लोग दूसरों के सुख से दुखी क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि ईर्ष्या होती है और उनके पास विचारों के नहीं होता। जो हीन लोग होते हैं, इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स जो जिंदगी में है, आत्महीनता का जो भाव है, वो दूसरे का कुछ भी बढ़ता हुआ देखकर आदमी को दुख लगता है, इसलिए आलोचक बन जाते हैं।
जो कुछ नहीं बन सकते, जो कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ नहीं हो पाते, वो बेचारे एक ही काम करते रहते हैं, दूसरों को देख देख के जलना, उनकी कमियां निकालना, उनको बेईमान बताना, उनको चोर बताना, ये ऐसे चालाकी से बढ़ गए, ये ऐसा करके आगे आ गए, उनके पास ऐसे कहकर वो खुद को चैन देते हैं, हम सच्चे, हम भले, इसलिए हम लोग पीछे रह गए, बेईमान आगे आ गए। लेकिन वो कभी ये कोशिश नहीं करते कि आलोचक न बनकर एक सुधार जिंदगी में लाकर अपने आप को आगे लाते तो भला होता। अगर ये हम कर पाए तो कल्याण हो सकता है। इसलिए आज भी और कल भी, और हो सकता आने वाले कल में भी, लोगों के साथ ये कमी रहेगी, अपने अभाव से दुखी नहीं होंगे लेकिन दूसरे के प्रभाव से जरूर दुखी होंगे। जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी तो न अपने अभाव से दुखी होंगे न दूसरे के प्रभाव से दुखी होंगे, बल्कि अपना अभाव भी दूर करेंगे और खुद को प्रभावी बनाने की चेष्टा करेंगे। अगला प्रश्न है श्री, ये ईमेल से आया है कि औद्योगिक क्रांति की वजह से लगता है लोगों के विचार और उनकी वैल्यूज गिरती जा रही है, ऐसा क्यों? औद्योगिक जो क्रांति है वो व्यक्ति को पीछे ले जा रही है, ऐसा नहीं है। पीछे जाने का सीधा कारण जो है, हम खुद मशीन बनकर रह गए, संवेदनाएं हमारे जीवन में नहीं रही, इसके कारण ऐसा है। अगर हम अपनी संवेदनाओं को थोड़ा बढ़ाएं और मशीन ना बने, रोबोट ना बने, तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है, हमें प्राचीन काल की बैलगाड़ियों में बैठकर, जंगलों में साधारण कपड़े पहनकर जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। जो उन्नति हुई है, विकास हुआ है, वो बहुत अच्छी बात हुई है। हाँ, भौतिक विकास हुआ है तो आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है, दोनों का मेल होगा तो कल्याण होगा। धन्यवाद महर्षि। ये दो प्रश्न एक जैसे ही हैं लगता है। एक प्रश्न किया है भिलाई से भाई मृदुल मालविया जी ने, ये पूछते हैं कि जीवन में इंसान का लक्ष्य क्या होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न भाई अनुज जी का है, वो पूछते हैं गुरु जी, जीवन और जिंदगी की सच्चाई क्या है? देखिए, सभी की जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, दुख से बचना चाहता है आदमी, सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए ही व्यक्ति चेष्टा करता है, उसी को लक्ष्य मानना चाहिए। आनंद ही जीवन का लक्ष्य है, और इस बारे में अनेक बार बताया जा चुका है। लेकिन अब क्योंकि हम अपने समय की धारा से आगे जा रहे हैं, इसलिए यहां रुकना होगा। एक आध सवाल और रखना चाहें आप, जल्दी से रख लें तो मैं 3 मिनट का समय और दे रहा हूं, उसके बाद कार्यक्रम को विराम करेंगे। धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न बहन सीमा बंसल जी का है, न्यू दिल्ली से है। ये लिखती हैं कि भगवान एक प्यार की मूर्ति है, अगर वह इतना प्यारा है तो फिर उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें कुछ जानवर दूसरे जानवरों का ही भोजन करते हैं? बहुत अलग तरह का सवाल है और कुछ समय चाहता है ये सवाल, लेकिन टाइम थोड़ा है इसलिए जल्दी से मैं यही कहूंगा, एक संतुलन बनाने के लिए भगवान ने ऐसा किया हुआ है। इसलिए आप ये देखिए, जो जीव खा रहे हैं जीवों को, वो भगवान के सफाई कर्मचारी हैं, वो बैलेंस बना के रखते हैं। इसलिए आपके घर में अगर छिपकली है, उसे देख के आप घबरा जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपके घर में कीड़े मकोड़े हैं तो छिपकली भी है। अगर आप देखते हैं कि पानी के अंदर मछलियां हैं तो बेचारी वहां भी पानी को साफ करने की कोशिश करती हैं। छोटी छोटी मछलियां, बहुत छोटी छोटी, उनको तालाबों में डाला जाता है। उनका काम यह होता है कि जो मच्छरों के अंडे पानी में पनप रहे होते हैं, ऐसे कीड़ों के अंडे, कीटाणु पैदा करने वाले अंडे, जो बड़े होकर आपके पानी के माध्यम से आपके शरीर में जाकर बीमार कर देंगे, उन्हें खत्म करने के लिए वो मछली काम कर रही है।
इसलिए बहुत लोग, हमारे यहाँ परंपरा है कि आटा डालते हैं, गोलियां डालते हैं मछलियों को, और मछली को भी एक अवतार मान लिया गया कि मत्स्य अवतार हुआ था। वो तो एक विकास क्रम की बात कही गई है कि इंसान कैसे विकसित होता चला गया। लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि भगवान के ये व्यवस्था बनाने के लिए चीजें ऐसी हैं, इसलिए उसमें हम ये कहें बड़ा छोटे को खा रहा है, बड़ा पेड़ अपने सामने छोटे को पनपने नहीं देता, ये सब चीजें जो देखने को मिल रही हैं ये एक संतुलन बनाने के लिए हैं। प्रकृति के उस संतुलन की आवश्यकता है। कुछ साल पहले चाइना ने हिंदुस्तान से गीदड़ मंगाए थे और अपने जंगलों में छोड़े थे, क्योंकि वहां पर अनेक तरह के ऐसे कीटाणु पनप गए थे, ऐसे चूहे वगैरह हो गए थे, उनको लगा कि हमको जरूरत है। तो मैं आपको ये कहूंगा, सबकी जरूरत पड़ती है, उनका संतुलन बनाने के लिए भगवान ने एक अच्छी व्यवस्था कर रखी। और ये कितनी कमाल की व्यवस्था है कि आपके शरीर से जो वायु निकलती है जहरीली है, उस जहरीली वायु को पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, और जो उनके लिए उपयोगी वायु नहीं है वो छोड़ देते हैं, उसे खींचकर आप अपने शरीर में भरते हैं, वो आपके लिए ऑक्सीजन बन जाती है। जहां जहां पेड़ पौधे हैं वहां वहां ऑक्सीजन है, वहां वहां जीवन है, एक दूसरे से जीवन चल रहा है। तो आपके लिए पेड़ हैं, पेड़ के लिए आप हैं। जहां लद्दाख में आप चले जाएं तो वहां पेड़ बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप हवाई अड्डे से उतर कर जाएंगे आपको लगेगा क्या हो रहा है, सांस नहीं आ रहा, सांस आने में दिक्कत हो रही है, तब पता लगता है कि वहां पेड़ नहीं है। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर की किसी किसी को जरूरत पड़ जाती है, तब समझ में आता है कि ये पेड़ नहीं है, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर है, अगर ये हो तो जिंदगी चलती है, जिंदगी आसान बनती है। तो भगवान ने इस तरह व्यवस्था की हुई है, इसलिए ऐसी भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये हम लोग अपनी बुद्धि से सोचने लग जाते हैं। हम लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं, जैसे एक आदमी ने जंगल से जा रहा था खेतों को देखता हुआ, तो उसने देखा खेत के अंदर खरबूजे लगे हुए हैं, तरबूज लगे हुए हैं, तो बेल छोटी छोटी, तरबूज इतना बड़ा। फिर उसने आगे देखा एक जगह पेठा, कद्दू जिसको बोलते हैं आप, सीताफल भी बोलते हैं, इतना बड़ा बड़ा 20-20 किलो का, 10-10 किलो का एक पेठा, और सामने एक पेड़ खड़ा हुआ था आम का, उस पर छोटे छोटे फल लगे हुए थे। तो उसने कहा भगवान तुम्हें तो अकल है ही नहीं काम करने की, छोटी सी बेल को इतना बड़ा फल दे दिया, इतने बड़े पेड़ को छोटा सा फल दे दिया, बड़े को बड़ा दो छोटे को छोटा दो। ऐसा बोलकर जैसे ही वो जा रहा था तो आगे घने घने पेड़ खड़े हुए थे आम के, बस वहां बैठ गया, थोड़ी ठंडी हवा चली और वहां बैठकर इच्छा हुई लेट जाए। लेटा तो लेटते ही आंखें बंद हुई, तेज हवा आई, ऊपर से एक आम टपका और टपकते ही वो गिर के नाक पर उसने चोट लगाई, और ये उठ के बैठ गया, आंख से आंसू आ गए, और उसके बाद ऊपर की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा भगवान तू ही ठीक है, अगर यहां तरबूज होता और गिर जाता तो मेरा तो ये तरबूज फूट ही जाता, मैं तो जिंदा ही ना बचता। तो जो बनाता है बिल्कुल ठीक बनाता है। लोग कहते हैं कि भगवान ने आंख भी इधर ही लगा दी, नाक भी यहीं लगा दिया, मुंह भी यहीं लगा दिया, कान इधर साइड में लगा दिए, इतनी भीड़ एक जगह क्यों करी, नाक इधर होता, आंख इधर वाली आंख यहां पर होती, मुंह इधर की तरफ होता, तो कम से कम थोड़ा ठीक तो होता, सब भीड़ एक ही जगह कर दी। तो फिर आप क्या करते, पहले दूध लेकर के आंख के पास जाते, जरा देखना कैसा है, फिर उसके बाद नाक के पास जाते, सूंघ के बताना कैसा है, ओठ के पास लाते, छू करके देखो कैसा है, इतनी देर में उसमें कुछ गिर जाता तब। सारे इंस्पेक्टर एक ही जगह बैठा दिए भगवान ने इंस्पेक्शन करने के लिए, वो सब काम कर रहे हैं। दूध आया हाथ में, जैसे ही आपने गिलास पकड़ा, गर्म है ठंडा है कैसा, सब दिखाई दे रहा है, सुगंध भी महसूस हो रही है, सब चेक होने के बाद में फिर अंदर जाता है। ये लोग इजाजत देते हैं, ये कहते हैं हाँ खा लीजिए पी लीजिए,
तो सब चीजें जो है उसने बुद्धिपूर्वक बनाई है, इसलिए भगवान ने दुनिया ऐसी क्यों बनाई है, वो बहुत बुद्धिमान है। अगर हमारी अकल से चलता तो तरबूज वाला हाल होता। इसी के साथ में उन्होंने फिर उंगली खड़ी कर दी, इनकी उंगली बड़ी कमाल की है। बताइए अगला सवाल कीजिए। महाश्री आपकी आज्ञा हो तो अंतिम प्रश्न है, अंबाला से भाई वनीश पाल जी, ये बीटेक के स्टूडेंट हैं, ये कह रहे हैं कि महाराज श्री मैं आपकी संस्था विश्व जागृति मिशन में विभिन्न सेवाओं में सेवा करना चाहता हूं, ये कैसे संभव है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए ये मेरा मिशन या किसी का मिशन नहीं है, ये आप सबका मिशन है। विश्व में जागृति पैदा करने के लिए, संपूर्ण जागृति पैदा करने के लिए मिशन विश्व जागृति मिशन है। संपूर्ण जागृति, पूरे विश्व में जागृति। और वो जागृति क्या है, धर्म का वह स्वरूप लोगों के सामने आए जो उदारवादी और सुधारवादी दृष्टिकोण रखता है। धर्म की गंगा में समय समय पर तरह तरह की प्रथाओं के, गलत प्रथाओं के नदी नाले गिरते चले गए, गंगा का रूप विशुद्ध नहीं रहा। उसको फिर से विशुद्ध गंगा बनाए जाने के लिए विश्व जागृति मिशन की स्थापना की गई। यह एक आंदोलन की तरह है, जागृति पैदा करने के लिए है। दो चीजें यहां महत्वपूर्ण हैं, एक सेवा, एक साधना। सत्संग स्वाध्याय, सहयोग सहानुभूति, इस तरह दो रूप बांटे गए। आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को ऊपर उठाएं, ऊंचा उठाएं, समझदार बने, दूसरी तरफ सेवा की तरफ लगें। अब सेवा भी क्या और कैसी और किन की, तो जब ये सवाल आया तो उसके बाद में हमने ध्यान दिया कि सेवा वृद्ध लोगों की, उनका हम ध्यान रखें जो कमजोर हैं, सेवा उनकी जो छोटे बच्चे हैं, अनाथ हैं, लावारिस हैं, या भीख मांग रहे हैं, या बाल मजदूरी कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल पिछड़ गए हैं, या गलत संगति में पड़ गए हैं, उन बच्चों के लिए हम सेवा करें। तो इसके लिए हम लोगों ने अनाथालय खोले, सूरत में अनाथालय है, कानपुर में अनाथालय है, और फिर इसी तरह की सेवा के लिए हमने कार्य शुरू किया। भीख मांगने वाले, बाल मजदूरी करने वाले, अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे जिनके पास पढ़ाने के लिए सुविधा नहीं है, उन बच्चों के लिए स्कूल बनाया जो हमारा फरीदाबाद में चल रहा है। फिर वो बच्चे जो जंगल में आदिवासी परिवारों के बच्चे हैं जिनके परिवार में साधन नहीं है, भूख बहुत है, गरीबी लाचारी है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए झारखंड में हमने रांची में दो स्थानों में, एक रुक्का गांव में और एक खूंटी, उस जगह पर दो स्कूल शुरू किए। ये हम लोग सेवा के कार्य करते हैं, लेकिन उसी के साथ में हम लोगों ने एक कार्य शुरू और किया है, वो है हॉस्पिटल के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से उन लोगों तक चिकित्सा पहुंचाना जिनको हम समझते हैं जरूरतमंद और जो गरीब हैं, कमजोर हैं। ऐसे बहुत कम आय वाले लोगों के लिए चिकित्सा पहुंचाने के लिए हमने कार्य शुरू किया। गुरुकुल भी हमने शुरू किए, जिसका मतलब हमारा सिर्फ इतना ही है कि वे बच्चे जो धर्म जानना चाहते हैं, धार्मिक ग्रंथों, आध्यात्मिक ग्रंथों के विषय में जानकर इसी तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को इधर भेजा, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरफ जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। हम ज्यादातर इस बात पर यकीन रखते हैं कि व्यक्ति आए, देखे, समझे, और जैसे उसको लगता है कि हाँ यहां एक अच्छा मंच है, तो फिर वो इस परिवार में शामिल हो जाए और इस मशाल को हम सब मिलकर संभालें और पूरे विश्व भर में रोशनी करें, तो ये मस्तों का, दीवानों का, अलबेले लोगों का एक मंच है और उस मंच में सभी का स्वागत है। धन्यवाद महाराज श्री। आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व यहाँ ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में उपस्थित सभी बहन भाइयों और बुजुर्गों की तरफ से एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी भाई बहनों की तरफ से मैं सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने का मार्ग दिखाया। जल्द ही गुरुवर से फिर प्रार्थना करेंगे अगले इसी तरह के एक और कार्यक्रम के लिए। आप बने रहिए, इस पेज के सदस्य बनिए और अपने आप को गुरुवर से जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, और जो रक्षाबंधन के त्योहार की भावना से भी यहाँ आए थे, मैं उन सब के लिए भगवान से मंगल कामना करता हूँ। और दोनों हाथ जोड़कर सभी एक साथ मंत्र उच्चारण कीजिए, बोलिए ओम देही सौभाग्यम 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 आरोग्यम 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 देही मे परमम सुखम परमम सुखम परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही यशो देही दिशो जहि दिशो जहि दिशो जहि। ओम शांति 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 ओम। सबका सौभाग्य बढ़े, आयुष्य बढ़े, सुख शांति बढ़े, जीत बढ़े, घर में प्रेम खुशहाली हो, सबका यश हो और सबको